हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SSC JEE Aptitude पे। और अगर आप लोगों ने RRB NTPC सिकंदराबाद से फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आप लोगों ने साइको का एग्ज़ाम दिया है तो इसका जो है साइको के एग्ज़ाम देने के बाद स्टेशन मास्टर का जो आपका फाइनल कट ऑफ जा सकता है लेवल 6 का, वो कितना जा सकता है, ये दो टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेवल 6 में आपका जो पहले कट ऑफ गया है CBET के लिए, आपको जो कॉल आया है साइको टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो लेवल 6 का कट ऑफ गया है आपका साइको टेस्ट के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं कैंडिडेट, उनका कट ऑफ कितना गया है सिकंदराबाद जो उनका, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और लेवल 2 में आपका स्टेशन लेवल 6 में आपका जो है स्टेशन मास्टर का ही एक पोस्ट है। और यहाँ पर जो वैकेंसी है, टोटल जो सीट है वो है 841, ठीक है? तो 841 स्टेशन मास्टर की यहाँ पर पोस्ट है। और ये जो आपका कट ऑफ दे रखा है जनरल कैटेगरी का, SC का, ST का, OBC का और EWS का। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अब जो साइको टेस्ट है उसके बाद आपको फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहला फैक्ट जो आपका कट ऑफ डाउन करने वाला है कि इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया वो A2 मांगा गया, जो कि बहुत ही हायर लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड है। बहुत से लोगों को आई प्रॉब्लम हो जाती है और ये वैकेंसी भी बहुत पुरानी है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो है रिजेक्ट होने वाले। सेकंड, क्या आपका साइको टेस्ट ईजी नहीं होता है, ठीक है? 8 टाइम्स कैंडिडेट तो बुलाए जाते हैं, लेकिन ये साइको टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है जो कि हर कोई पास नहीं कर पाता है, ठीक है? तो इस वजह से भी आपका यहाँ पे कट ऑफ डाउन होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा ही होगा। तो यहाँ पे मैं कभी कभी किसी किसी जोन के कट ऑफ डाउन भी हो जाते हैं, लेकिन मान के चलिए आपका यहाँ पर इंक्रीज ही होने वाला है। तो जनरल कैटेगरी का जो फाइनल कट ऑफ रह सकता है अनरिजर्व का, मान के चलिए 74 प्लस माइनस 2 आपका कट ऑफ रह सकता है, ठीक है? जनरल कैटेगरी का 74 प्लस माइनस 2। यहाँ पर हम बात करें SC कैटेगरी का जो फाइनल कट ऑफ रह सकता है 58 प्लस माइनस 2 मान के चलिए, ठीक है? इससे ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं चाहा जाएगा किसी भी कीमत पे, ठीक है? क्योंकि आपका जो है साइको टेस्ट का मार्क्स को ऐड होने वाला ही नहीं है, बाकी इसी में से ही आपका जो है कट ऑफ बनने वाला है, ठीक है? थोड़ा बहुत इंक्रीज होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर ST कैटेगरी की मैं बात करूँ तो ST कैटेगरी का जो कट ऑफ रह सकता है वो 55 प्लस माइनस 2, ठीक है? बिल्कुल हायर जोन में मैं आप लोगों का ये कट ऑफ लेके बता रहा हूँ, इससे कम ही यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है? यहीं पे OBC की अगर मैं बात करूँ तो OBC का 66 प्लस माइनस 2 आपका जो है कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है? और नेक्स्ट जो आपका अंतिम है ये है EWS कैटेगरी। तो EWS का कट ऑफ आपका 62 से ज़्यादा नहीं जाने वाला, प्लस माइनस 2 ले लीजिए, लेकिन 62 से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो ये सारा जो है आपका कट ऑफ रहा लेवल 6 स्टेशन मास्टर का, ठीक है? जिसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा गया है और साइको टेस्ट आपका हो चुका है, तो आपका रिजल्ट भी जल्दी आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर इतना आपका स्कोर आ रहा है तो बिल्कुल ही निश्चिंत होकर जो है DV की तैयारी करने में लग जाइए, और DV डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है वो अपना बनवा लीजिए, ठीक है? तो आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।